बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुकिंग विद एच वाई एस में खुश आमदीद। और व्यूअर आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, ईद मुबारक। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ली है और ये एक तकरीबन 3 प्याज ली है बड़ी वाली, बड़े साइज की। और ये गरम मसाला है, दालचीनी है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, ये बड़ी इलायची है, लौंगे है, काली मिर्च है, जीरा है, जायफल है। ये जायफल और ये हम पीस लेंगे, बाकी ये सब खुश्क साबुत डालें। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है 1 पाव, खुश्क मसालों में है धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, नमक हसबे जरूरत है, हल्दी पाउडर है, पीसी मिर्च पाउडर है, कोरमा मसाला है। ये सब चीजें हम इस तरह से बनाएंगे कि ये देखिए, पहले हमने थाली ली, इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मसाले भी इसमें ऐड करेंगे और दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसको, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखिए व्यूअर, हमने 1 पाव तेल डाल दिया इसमें और अब इसको ये तेल का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा ये हो जाए, इसके बाद हम इसे प्याज डाल के ब्राउन करेंगे। उस वक्त तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपकी मोहब्बत का पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये कि अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, न्यू स्टाइल में बना रही हूँ मैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, तेल हमारा हो गया है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपकी मोहब्बत का पता चलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप मुझे बाकी के देख के मुखातिब करते हैं, कुछ करके भी मुखातिब करते हैं, यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये देखिए इसको ब्राउन करेंगे, अच्छी सी इतना करेंगे कि ये जले नहीं बस ब्राउन हो, क्योंकि कोरमे में काली प्याज होती है तो उसके सालन अच्छा नहीं हो लगता है, वाइट वाइट सालन होना चाहिए। इसको हम ब्राउन करेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं बिल्कुल। ये व्यूअर हमारी प्याज होने वाली है, ये देखिए व्यूअर प्याज हमारी ब्राउन होने को आने लगी है। ये देखिए व्यूअर हमारी प्याज हो गई है ब्राउन, हमें इतनी चाहिए थी, ज्यादा करेंगे तो ये काली हो जाएगी और जली जली आएगी, फिर उसमें सालन की शक्ल अच्छी नजर नहीं आएगी कोरमे की। फिर बस ये हमारी प्याज हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये मैरिनेट किया हुआ हम इसमें डालेंगे। ये देखिए व्यूअर, हमने ये गोश्त डाल दिया है मसाले के साथ इसके अंदर, और अब ये जरा भुनने पर आएगा, जब तक के लिए हम इसको देते हैं। और आप बताइए सुनाइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने घर में क्या पकाया आज, कमेंट्स करके बताइएगा। गाँव में याद रखिएगा, कराची में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है जहाज का,
उसमें लोग हमारे जो बहन भाइयों के साथ जो इस हादसे में शहीद हुए हैं उनके लिए दुआएं हैं कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत की जगह दे और उनके मराती बुलंद करे, लवाए इनको सब्र जमील दे, सबके लिए दुआ करते रहा करें। और इसके लिए अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, क्या गोश्त भी गल जाए हमारा और ये मसाला भूनने पे भी आ जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, ये भूनने पे आ जाएगा। हमें प्याज हो गई है, अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, फिर भुना लेंगे अच्छी तरह से। फिर भुनाइएगा, ये हमारी प्याज चुरमुरा ली है हमने हाथों की मदद से। और ये देखिए हमारे ये गोश्त ने पानी छोड़ दिया हैगा और मसालों का पानी और गोश्त का पानी जो छोड़ा हैगा इसी में ये चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी इसी पानी में। हमें पानी डालने की जरूरत नहीं, इसका गोश्त का मसालों का पानी है ये। ये देखिए इसका कलर कितना ब्यूटीफुल कलर आया हुआ है, जबरदस्त से खुशबू आ रही है। इसी पानी में ये हमारी गल जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। प्याज डाल दिए सारी, जबरदस्त कुकिंग की खुशबू आ रही है। ये पिस्ता बादाम है, पिसा हुआ खोपरा है और ये खुशबू भी इलायची और हमने जायफल जो पीसा था ये सब भी डालेंगे और थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे। ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है, अब इसे हम 5 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारा चिकन कोरमा तैयार हो गया है, अब हम इसे गार्निश के लिए इसमें अदरक डालेंगे ऊपर से, जबरदस्त सा। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और मेरी तरफ से मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें और अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर रहें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।